चालू कर दी थी भाई। खासा खुशी सब एकदम चेक पकड़ के रखूं। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, देख। हाँ चालू है। ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट इज योर एवरीवन, इट्स सो अनिकेत। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, बिकॉज़ आज 26 जनवरी है और कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था कि आज व्लॉग क्या करना है, और बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही होगी। सो भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं, पहले अभी तो मंदिर आए थे दर्शन करने, सौरभ और भैया और यशु, ये तीनों अंदर है, अभी चलते हैं हम लोग कुछ व्लॉग बनाने। और ये आई से ऊ क्या कर रहा है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आज का ब्लॉग पता नहीं कैसा क्या होगा, और मैं पूरा आलसी हो चुका हूँ, इतने दिन से ब्लॉग नहीं करा मैंने कुछ भी, और ये बैग का पूरा सामान और प्लस जो मैंने एडाप्टर मंगाया था ना वो अभी तक आया नहीं है मैंने, वो जब मेरा एडाप्टर आ जाएगा ना माइक वाला एडाप्टर मैं आपको बताऊँगा, और उस शॉप के बारे में बता दूँगा कि वो शॉप कहाँ पर है, कैसी है। सो भाई ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny, my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. ओके, तो पहले फ़ोन को चार्ज पे लगा देते हैं, देन हम जाएंगे व्लॉग को कंटिन्यू करने, और इधर लगाएंगे हम चार्ज पे फ़ोन। यो बॉय, बाय द वे जब मुझे आलस आता है ना तो मैं बोर्ड में भी नहीं डायरेक्ट इस पे लगाता हूँ फ़ोन चार्ज पे, जो आप समझ सकते हो मुझे अभी क्या आ रहा है आलस। सो भाई हम इसको चार्ज पे लगा देते हैं पावर बैंक से, और पावर बैंक मेरा हमेशा फुल रहता है, क्योंकि मैं रात भर में चार्ज पे लगा देता हूँ, फिर सुबह से यूज़ पे रहता है मेरा, तीन चार दिन चल जाता है अच्छा खासा। सो भाई ओके, सो मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन सौरभ को पता नहीं सौरभ ने खाया कि नहीं, सौरभ के घर पे चलते हैं फिर देखते हैं उसने खाना खाया कि नहीं, देन फिर हमको पता है कहाँ पे निकलना है, TI मॉल निकलेंगे या फिर खजराना। सो भाई अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कंफर्म करते हैं सौरभ के पास पहुँचते हैं। क्या हुआ? यहाँ से निकलते पहले। ओके, सो घर का गेट लगा देते हैं, ताला वगैरह सब, और अब यहाँ से हमको निकलना है सौरभ के घर। तो भाई सौरभ के घर निकलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते रहते हैं, और पता नहीं इतना ब्लर क्यों आ रहा है ये। ओके, सो सौरभ रेडी हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं मॉल। मॉल जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, पहले मॉल चलते हैं फिर वहाँ से जाएंगे खजराना। सौरभ तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी पीयूष का वेट कर रहे हैं, और ये देखो बालकनी में से झांक रहा है बेशरम, हमको शरम नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं नीचे कि जल्दी आ जाए, हमको लेट हो रहा है। मास्क लेके आ क्योंकि मॉल भी जाना है। सो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, हमको मॉल पहले मॉल जाएंगे फिर वहाँ से खजराना जाएंगे, और पेट्रोल आप देख सकते हो बहुत कम है। ओके, सो अभी किसी का कॉल आ गया था, सो हमारा जितना भी मैंने जो कुछ भी बोला था वो मेरा पूरा कट गया था, वीडियो सेव नहीं हो पाई थी, लोग बागन डिस्टर्ब कर देते हैं कॉल करके बीच में। तो अब यहाँ से निकलते हैं, हमको पहले TI चलना है, फिर उसके बाद निकलना है हमको खजराना मंदिर। खजराना मंदिर जा रहे हैं? कंफर्म है? सुन ठीक है, सो उसके बाद खजराना मंदिर। बैंड बजाना इसकी, किसके बाद? इसकी, इस फोन को भी बेच के आएंगे आज हम। चलो बेच के आएंगे, बहुत वाइट हो रहा है, और बाइक में ही चलाऊंगा, बिकॉज मुझे मजा आ रहा है आज बाइक चलाने में, सौरभ के हाथ में रहेगा पूरा ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं TI मॉल के लिए, तो कुछ ऐसा है हमारा सफर। Just let me go. So guys, अभी आगे चल रही मास्क की चेकिंग, तो अभी हमने मास्क वास्क पूरा लगा लिया है, अनिकेत भी मास्क लगा रहा है, तो इसलिए बाइक रोकी है। अनिकेत ने मास्क नहीं लगाया तो मास्क लगा रहा है, ये मास्क थोड़ा ढीला हो गया, मैं नया मास्क लूंगा थोड़ा आगे चल के। हाँ, बापर टू स्क्वायर पर चेकिंग चल रही है,
आज जा रहे हैं हम TI. मास्क इज रेडी. एडाप्टर के लिए ओनली एडाप्टर आईफोन का. वो आया नहीं वैसे एडाप्टर उन्होंने बोला. अपन ट्राई कर लेंगे एक बार, आके देख लेंगे. किस्मत है अपनी तो ले लेंगे, नहीं तो घर आ जाएंगे. फिर खजराना आएंगे, खजराना में थोड़ा शूट करेंगे, फिर आ जाएंगे घर. तो गाइस निकल चुका अच्छे से, जो की चेकिंग है कुछ बस ट्रैफिक लगा हुआ था और हमने सोचा चेकिंग के लिए मास्क साफ कंप्लीट कर लिया और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में. पुलिस वाले खड़े हैं, देखा तूने? चेकिंग नहीं चल रही थी, वो तो ऐसे ही अपने यानी चिल्लर बटोरने के लिए खड़े हो जाते हैं. हम क्या कर सकते हैं. तो गाइस इसे बोलते हैं देसी जुगाड़. देख सकते आप देसी जुगाड़ इन पल पे. सो गाइस प्लान चेंज हो चुका है, अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं पहले खजराना, फिर जाएंगे उसके बाद मॉल, क्योंकि हम आ गए हैं खजराना वाले रूट पे. खजराना के बाद जाएंगे हम TI मॉल. ओके सो इस चौराहे का किसी को कांड नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, वो देखो. और ये वो वही रोबोट है. खजराना पहुंच चुके हैं, TI तो नहीं आए, गए पहले गए खजराना. अभी वो एक पंडित जी बोलते कि भैया हमारा वीडियो तो नहीं बनाया, हमने मार्क्स नहीं लगाया था. मैंने भैया आपका वीडियो नहीं बनाया, ठीक है मिलते हैं अच्छे से वायरल कर देंगे फिर अगर. सो यहाँ की सबसे एक बात मुझे बहुत बुरी लगी कि उधर से जितने भी थे जो लोग हारफुल वाले जो दुकान होते हैं वो लोग जबरदस्ती हमको पार्क करवा रहे थे वहाँ पे बाइक, जबकि हमको यहाँ अंदर आके पार्क करवाना था. यहाँ पे सारी पार्किंग है नहीं, फिर भी वो बोल रहे थे इधर रोक इधर रोक. अगर एक दो में छटका जाते ना मजा आ जाता उनको. और ये मास्क के ऊपर चश्मा पहन रखा है ना, सब भाप जम रही है आप देख सकते हो. सेम कंडीशन मेरे साथ भी है भाई. तो अभी अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं, और पता नहीं आज दर्शन कितनी देर में हमको नसीब होंगे, बिकॉज आप देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है. ऐसे पार्किंग हमेशा भरी नहीं रहती इतनी, लेकिन आज बहुत ज्यादा भरी हुई है. सो वही हम अंदर चलते हैं, सिनेमैटिक स्टार्ट करते हैं. वो रखा है एक जूता इधर उतारेंगे और एक इधर कोने में आके, ताकि चोर अगर चोरी भी करे तो उसको एक ही पैर मिले दूसरा नहीं मिले. इसको उतारते हम, एक को यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ कोने में, यहाँ कोने में फंसा दिया है. अब सामने वाले को मिलेगा भी नहीं. दूसरा भी सेफ है. वैसे ये ट्रिक बहुत काम की है, अगर तुम भी ऐसी जगह पे आओ तो ये ट्रिक यूज करना. ओके सो अभी मैं ज्यादा तुमको वेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट एक ट्रांजिशन में तुमको सीधा TI मॉल पहुंचा देता हूँ. ओके सो एक ट्रांजिशन में यहाँ पे पहुँचने की बात हुई थी, तो एक ट्रांजिशन में तुम लोगों को मैंने TI मॉल पहुँचा दिया है. सो भाई अब TI मॉल में अंदर जाते हैं और एक बार उनसे बात कर लेंगे, अगर एडाप्टर आ गया होगा तो अभी ले लेंगे और उधर की शॉप का ब्लॉग मैं देख लूँगा बाद में, फिर कभी बना लूँगा. तो अभी मॉल के अंदर चलते हैं और अंदर का आपको माहौल बताता हूँ. My mirror shows the other side of me.
All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary. ऊपर जाने देते हम लोग जाते आगे क्योंकि इसको नहीं पता हमको कहाँ पे जाना है। वो वापस आ रहा है गोल घूम के। आजा बेटे हम मिलेंगे ही नहीं। वो इसके साथ प्रैंक करते अपन उनको। निकल निकल निकल। पीयूष के साथ होगा आज प्रैंक। सो अभी हम लोग यहाँ कोने में छुप जाते देन देखते हैं वो आता है कि नहीं। भाई मैं आएगा वो हमको देख लिया होगा। इधर ही आ रहा है। ए बॉय घूम गए थे। ओके सर जिस शॉप पे हमको आना था हम लोग आ चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूछ लेते एक बार एडाप्टर आया है कि नहीं लाइटनिंग तो 3.5 mm जैक। ओके सो एक बैड न्यूज है। मेरा जो एडाप्टर मैंने ऑर्डर किया था 3.5 mm टू लाइटनिंग जैक जो कि मेरे माइक के काम आएगा वो उसको आने में एक हफ्ता लगेगा। ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं लेकिन 10 दिन और लग सकते हैं वैसा उनने बोला। सो देखते हैं वो कैसा काम आता है। और आज का व्लॉग तो यहीं एंड करते हैं। बस तुमने देखा कैसे काम काम में निकल गया आज का भी दिन। सो वही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर व्लॉग थोड़ा बहुत भी पसंद आया। सो वही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मजदूरी चल रही है। अभी हमारी बाइक यहाँ पर अटकी हुई है। एक बुलेट TVS देन स्कूटी फिर हॉर्नेट। सो ये इसको ऐसे निकालते और निकलते हम लोग घर क्योंकि मुझे फिर से भूख लगने लगी।